गुड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सम प्रॉब्लम्स विच इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री विच इज टेकन एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथ एंड सीआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 9। टुडे माई सीरियल नंबर 6। इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ टैन ए इज इक्वल टू 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए प्लस साइन सी। दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम क्वेश्चन। हियर सोल्यूशन फॉर दिस, हियर सोल्यूशन इन ए ट्राइंगल ए बी सी, बिफोर वी मेक ए राइट ट्राइंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी एंड सी ओके स्टूडेंट्स, हियर टैन ए इज इक्वल टू 1/3, 1/√3 गिवेन टैन ए इज इक्वल टू 1/√3 टेक एन एंगल ए, देन ए बी इज द बेस एंड फ्रंट साइड बी सी विल बी परपेंडिकुलर लाइन ओके स्टूडेंट। हियर टैन इज इक्वल टू 1/√3, यू नो अबाउट द रेशियो ऑफ टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड बाई बेस। हियर परपेंडिकुलर लाइन 1 एंड बेस इज √3 गिवेन ओके स्टूडेंट, बट ए सी इज नॉट नोन, हियर ए सी इज अननोन। बट वी वॉन्ट टू द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन सी। इन दिस केस वी विल डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ ए सी। फॉर डिटर्मिन ऑफ ए सी वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। हियर वी यूज बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ओके स्टूडेंट्स। हियर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर √3 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ √3 एंड स्क्वायर ऑफ √1, स्क्वायर ऑफ 1। हियर स्क्वायर ऑफ √3 मीन्स यू कैन राइट हियर √3 इंटू √3, √3 स्क्वायर इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। हियर पेयर √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड एक्सपोनेंट मेथड्स यू कैन आल्सो सॉल्व इट्स। हियर थर्ड रूल
रूट थ्री इक्वल टू थ्री पावर वन बाय टू स्क्वायर, हियर थ्री वन बाय टू इंटू टू इक्वल टू थ्री. तो यू कैन आल्सो डिटरमिन बाय सर्ड्स रूल और एक्सपोनेंट्स यूज एंड यू कैन आल्सो बाय स्क्वायर रूट. हियर ए सी स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर थ्री एंड वन स्क्वायर वन इक्वल टू फोर. हियर ए सी स्क्वायर इक्वल टू फोर, ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट फोर इक्वल टू टू, ए सी इक्वल टू टू. ओके स्टूडेंट, बाय दिस मेथड बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ए सी. हियर ए सी इक्वल टू टू. हियर थ्री साइड्स वी शो द वैल्यू ऑफ थ्री साइड बी सी ए बी एंड ए सी. द वैल्यू ऑफ ए सी टू. बाय दिस मेथड्स वी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन सी रेशियो. हियर साइन ए इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन ए बेस एंगल इज ए देन बेस इज ए एंड परपेंडिकुलर लाइन विल बी बी सी. इन दिस केस साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइन बाई हाइपोटेनस बी सी बाई ए सी इक्वल टू वन बाई टू. तो ओके स्टूडेंट, हियर कॉस सी हियर टेक एंगल सी देन बी सी इज द बेस एंड ए बी इज विल बी परपेंडिकुलर लाइन. हियर कॉस सी इक्वल टू वन बाई वन इज द बेस बेस बाई परपेंडिकुलर लाइन बेस बी सी बाई परपेंडिकुलर लाइन. ओके स्टूडेंट, हियर बी सी इक्वल टू वन बाई ए सी टू. हियर आफ्टर दिस कॉस ए cos A. Here angle is cos A, then this is the base and BC will be perpendicular line. Here cos A is equal to AB by AC. Here AB is equal to root 3 by AC 2. Okay student, and here sin C, then this is the base and this is the perpendicular line and this is hypotenuse. Here base and this is the perpendicular line, then sin C is equal to perpendicular line AB and hypotenuse AC. You can write here AB इक्वल टू रूट थ्री बाई ए सी टू. ओके स्टूडेंट, दीज वैल्यूज यू कैन राइट हियर द रिलेशन इज गिवेन. Since sin A cos C plus cos A sin C. Here put the value of sin A cos A and sin C in equation 1. Here sin A is equal to 1 by 2 into cos C is equal to 1 by 2 plus cos A
cos is equal to root 3 by 2 into sin c is equal to root 3 by 2. Okay, student? From this value, put in this given relation. Here, 1 by 4, we get 1 into 1 by 2 into 1 by 2, we get 1 by 4 plus root 3 into root 3, we get 3 and 2 to the 4. Thus, we get 3 plus 1, 4 by 4. 4, 1, 4 cancel to 4 is equal to 1. The value of sin A cos A plus sin C is equal to 1. Okay, question. This is the answer. So, by this methods, you can determine these types of solution you can solve. Here, if here given minus, then you can minus. If plus, then you can add plus. After this, next problem I will teach you tomorrow. Okay, student? Thank all of you.